हाय गाइस, मेरा नाम है रुक्षा ढिल्लन और आप मुझे देख रहे हैं सिनी स्पीक्स पे। हाय रुक्षा, वेलकम ऑन सिनी स्पीक्स। थैंक यू सो मच। भंगड़ा पाले, खूब भंगड़ा किया आपने। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी या यहाँ पर आकर के सीखा या क्या किया? हाँ, 3-4 महीने हमारी प्रैक्टिस हुई थी, यू नो, फिल्म के लिए। और काफ़ी इंटेंस भांगड़ा है, तो मतलब जैसे हम नॉर्मली करते हैं पार्टीज में या संगीत में, वैसा यू नो वो तो मतलब ए भी नहीं है, यू नो, भांगड़ा का। तो आई थिंक बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि कंपटीशन है, आपने देखा जैसे मूवी में, तो उस लेवल तक हमें भांगड़ा करना था और कल्चरली, यू नो, उसकी ऑथेंटिसिटी बरकरार रखनी थी। तो हाँ, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। प्रॉपर भांगड़ा नहीं है, मतलब फ्यूजन वी कैन से उसमें दिखाया है, तो वो ज़्यादा डिफरेंट होता है, टफ होता है, कैसे होता है? आई थिंक फ्यूजन का क्या है कि फ्यूजन जब हम किसी भी डांस फॉर्म में ऐड करते हैं, स्पेशली अगर वो इतना कल्चरल फॉर्म हो जैसे भांगड़ा है, और यू नो इतने स्ट्रॉन्ग रूट से कनेक्टेड है इंडिया में, तो आई थिंक जो फ्यूजन भी हम ऐड करते हैं, हमें ये यू नो ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी जो एक्चुअल यू नो उसका जो एक्चुअल फील है, जो उसका एक्चुअल टच है उस डांस फॉर्म का, वो यू नो चला जाए फ्यूजन ऐड करके भी। तो आई थिंक कोरियोग्राफर्स ने और स्नेहा ने, हमारी जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरती से किया, क्योंकि फ्यूजन ऐड करने के अलावा भी उसकी ऑथेंटिसिटी, उसका जो फील है भांगड़ा का, वो आई थिंक बरकरार रखी है उन्होंने। तो आई थिंक वो बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है। सर, साउथ में आप काम कर चुकी हैं, कन्नड़ सिनेमा और तेलुगु सिनेमा में। अभी आपका डेब्यू है यहाँ पर इस फिल्म से, तो क्या स्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगा रही थी? आई थिंक मेरे लिए कि जो मैंने सिमी का कैरेक्टर स्केच पढ़ा था, जो मुझे दिया गया था, आई थिंक उसमें जो सिमी का कैरेक्टर है, आई थिंक मुझे उससे आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट फील हुआ। शी इज़ ऑल्सो वेरी इंडिपेंडेंट, बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत मतलब अपने यू नो बलबूते पर, दम पे जो भी हाजिर करना चाहती है, शी वॉन्ट अपने आप से करना चाहती है वो। और उसके लिए उसकी मदर का जो यू नो ड्रीम है, और जो वो चाहती हैं कि यू नो वो उनकी मदर को प्राउड कर रहे हैं, आई थिंक वो सेम है मेरे जैसे, क्योंकि उनका भी मतलब सिमी के लिए भी अपने हार्डवर्क से, अपने डांस के स्किल से ही उसने जो हासिल किया है अभी तक, और उसकी मदर के सपोर्ट से। सो आई थिंक मेरे लिए भी वो एंगल बहुत सिमिलर है, क्योंकि मैं भी मतलब इंडस्ट्री में पहली हूँ अपनी फैमिली से, कोई भी इंडस्ट्री से नहीं है, तो मैंने भी यू नो फैमिली के सपोर्ट से, मम्मा के सपोर्ट से ही यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आई थिंक वो मुझे ऑब्वियसली बहुत यू नो भाया। और स्टोरी ओवरऑल बहुत अच्छी थी, और भांगड़ा है और मैं पंजाबी हूँ, तो मतलब उससे बेहतर और क्या हो सकता है। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, हाँ, पर ये दूसरी बात है कि मतलब डांस करना बहुत पसंद है, पर इस मूवी का जब डांस हमने शुरू किया, तो पता चला कि जो मुझे डांस आता था, वो तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि इस मूवी का जो डांस लेवल है बहुत अलग लेवल का था। और हाँ, ओवरऑल टीम इतनी अच्छी थी, प्रोडक्शन हाउस इतना अच्छा था, आई थिंक इससे बेहतर लॉन्च मैं कभी मांग ही नहीं सकती थी। लंदन से हैं आप और आपकी शायद स्टडीज़ गोवा में कर रही हैं, तो पंजाब से कितना टच रहा आपका? पंजाब से आई थिंक मुझे याद है कि मेरे नाना नानी, मतलब हम सिख हैं तो पंजाबी हैं, तो हमेशा हर समर वेकेशन में जब भी हम गोवा से, हमें एक महीने की छुट्टी मिलती थी, तो हम हमेशा दिल्ली जाते थे, तो हर और वो फिर गोवा आते थे, तो हमेशा इन्वायरमेंट मतलब ऐसी पंजाबी फैमिली का यू नो इन्वायरमेंट रहा है। पर आई थिंक मैं गई हूँ अपने नाना नानी के पिंड, यू नो गांव विलेज जो भी कहते हैं, तो वहाँ पे कैसे हमारे घर थे, पुराने घर, नाना का घर, और मेरी जहाँ मम्मा भी यू नो पली भड़ी हैं, तो उसको देखने का मज़ा तो एकदम अलग से है। और फिर यू नो इतना मुझे तो लगा यू नो ऑनेस्टली कि यू नो एकदम लाइक पुराना घर होगा, पर अभी मॉडर्न टाइम से था, वो भी मॉडर्न हो गए, तो जब मैं गई वहाँ पे एकदम महल जैसा घर था, तो मैं भी काफ़ी शौक हो गई थी कि वाओ यू नो लाइक इतना सुंदर घर है, मुझे भी नहीं पता था। और फिर भी उस घर के पीछे खेत हैं जहाँ पे गेहूँ और यू नो वो सब उगते हैं, और फिर यू नो ओपन चूल्हा है, चूल्हा खुले में, और फिर गाय सब है, तो बहुत अच्छी फीलिंग आई थिंक सिटी से भाग के विलेज में यू नो थोड़े दिन के लिए जाना, बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत पीसफुल है। कन्नड़ और साउथ, अब तो वैसे कोई अंतर रहा नहीं, साउथ हो या कोई भी सिनेमा हो, सब बट वहाँ का लेवल जो मतलब टेक्नीशियंस है, जो डायरेक्शन है, जो कुछ भी है, यहाँ से कितना अलग लगा आपको? आई थिंक जब तक मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी साउथ में, आई थिंक तब तक काफ़ी यू नो चेंजेस आ चुके थे साउथ के इंडस्ट्री में, जैसे वो मूवीज़ बनाते थे, या जैसे अपना जो मतलब जो टीम था, वो कास्टिंग थ्रू बहुत यंग लोग यू नो आने लगे थे,
तो जैसे जैसे मैंने अपनी फिल्में की, मैं बहुत लकी थी कि मुझे बहुत यू नो यंग और यू नो न्यू लोगों के साथ काम करने को मिला, जो मतलब इंडस्ट्री से ऑब्वियसली कुछ तो जिनके पेरेंट्स इंडस्ट्री में सीनियर्स हैं और कुछ भी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स एक्टर्स, पर उन्होंने भी कैसे मतलब वो नए तौर तरीके कैसे अपनाए हैं और वो मॉडर्न, जैसे सिनेमा आजकल बहुत रियलिस्टिक हो गया है, बहुत लोग चाहते हैं कि जो हम देखें वो यू नो एक्चुअली ऑलमोस्ट हकीकत की तरह हो, अनलेस ऑब्वियसली जो अगर आप ऐसा कुछ फैंटेसी का मूवी बना रहे हो, पर तो वो उन्होंने इनकॉर्पोरेट बहुत यू नो बहुत कर लिया है अपने सिनेमा में। और जब तक मैंने साथ किया था तो काफ़ी मतलब हद तक बहुत यू नो उनकी थिंकिंग बहुत ओपन हो चुकी थी एंड इट वॉज़ वेरी कम्फर्टेबल, और यहाँ पे तो आई थिंक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हाँ आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल कि जो मैंने साउथ की मूवी की थी वहाँ पे मुझे बहुत सीखने को मिला, जिसके कारण जब मैंने ये मूवी की थी भांगड़ा पाले, आई थिंक मैंने कभी एक्टिंग का कोर्स नहीं किया, एक्टिंग ऑलमोस्ट यू नो सडनली हो गया, पर आई थिंक उसके कारण जो मुझे माई एक्सपीरियंस मिला यहाँ पे मेरा काम ईजी हो गया, तो आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल टू देम फॉर दिस। एंड व्हाट अबाउट सनी, कैसे हैं और सेट पे कैसे रहते हैं और कैसे कोएक्ट करते हैं? सनी आई थिंक जैसे आपने देखा कि हमारी तो राइवलरी है यू नो ट्रेलर में, और रियल लाइफ में भी हम ऑफ सेट भी बहुत एक दूसरे को तंग करते हैं, वो तो कुछ ज़्यादा ही मुझे तंग करता है, पर एट द एंड ऑफ इट कोस्टा के तौर पे या फ्रेंड के तौर पे वो बहुत ही यू नो बहुत ही अच्छे इंसान है मोर देन एनीथिंग एल्स। और आई थिंक जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो ना, इट्स लाइक गिव एंड टेक होता है वो एक्टिंग के टाइम यू नो, कि आप अंडरस्टैंड करो अपने कोस्टार की यू नो जैसे वो अप्रोच करते हैं सीन को, और वो बैलेंस लाना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक सनी और मैंने वो बैलेंस बहुत अच्छी तरह स्ट्राइक किया था, और ऑब्वियसली डायरेक्टर के साथ हेल्प उनके हेल्प के साथ हमने बहुत रीडिंग सेशंस किए, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली और आसान हो गया, पर ओवरऑल बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ही इनकरेजिंग है। मेरी पहली मूवी थी पर उन्होंने बहुत यू नो इनकरेज किया, और कभी कभार मैं ऑब्वियसली वो पहली मूवी है तो थोड़ा नर्वसनेस थोड़ा स्ट्रेस होता ही है, क्योंकि आपको सबकॉन्शियसली पता कि आपको बहुत अच्छा करना है, बहुत अपने आप को प्रूव करना है, वो तो होता ही है, पर वो हमेशा कहता चिल तू कर लेगी ना, तो बहुत इनकरेजिंग थी, और बहुत उन्होंने अच्छा काम किया है फिल्म में, आई थिंक इज एन अ फैबुलस जॉब, और जो ऑब्वियसली आप सब देखेंगे। मेरा पर्सनल फेवरेट सॉन्ग इनफैक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ है, वो अभी हो जाएगा तो मैं नाम नहीं ले सकती, पर अभी जो ट्रेलर में थोड़ा बहुत उन्होंने यू नो दिखाया है इस गाने को, और जो आएगा भी अभी इस प्रॉब्ली सून लॉन्च हो जाएगा, वो एक आला जोड़ा और एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक ट्रैक है जो मतलब अभी तक आया नहीं, पर उन्होंने श्रेया घोषाल जी ने गाया है, और उनकी वॉइस तो मतलब इट्स ब्यूटीफुल, मेरी ऑलमोस्ट वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स हैं, तो आई थिंक ये तो गाने जब गाने आ जाएंगे तब मैं आपको नाम बता दूंगी। और हिंदी सिनेमा में बाकी एंट्री हुई है तो कोई ऐसा रोल, कोई ऐसा ड्रीम डायरेक्टर क्या, कोई एक्टर कुछ है आपके मन में? आई थिंक ड्रीम रोल शायद कोई हिस्टोरिक रोल, यू नो मैं चाहती हूँ कि कोई हिस्टोरिक रोल मैं प्ले करूँ, या कुछ भी आई थिंक अ बायोपिक प्रॉबेबली ऑल्सो, या मतलब लाइक अ ट्रू लाइफ यू नो इंसिडेंट, या ट्रू लाइफ सिचुएशन या बायोपिक, आई थिंक उन दोनों में से कोई रोल मुझे बहुत आई थिंक आई वुड बी रियली हैप्पी टू डू समथिंग लाइक दैट। और फेवरेट डायरेक्टर हो तो लिस्ट बहुत लंबी। फेवरेट एक्टर आई थिंक फेवरेट एक्टर अभी आजकल बहुत है, मतलब लाइक आयुष्मान है और फिर रणबीर, विकी और यू नो राजकुमार, बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं, तो यू नो एक को चूज़ करना आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाता है, पर आई थिंक सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो होपफुली देखते हैं फ्यूचर में काम करने को मिलता है उनके साथ। तो बस कुछ दिन के बाद रिलीज़ हो रही है आपकी, नर्वस है एक्साइटेड है? आई थिंक मिक्स फीलिंग है, मैं आई थिंक टीम के साथ हमारा मूवी का अप्रोच स्टार्टिंग से ही बहुत पॉजिटिव था, तो आई थिंक हमें पूरा विश्वास है कि मूवी अच्छी होपफुली चलेगी, हम अपने फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हुए हैं, पर मैं नर्वस हूँ ऑब्वियसली, एक्साइटेड वो तो मतलब कुछ अच्छा होने से पहले, और जो आपके मन के बहुत पास हो तो वो आने से पहले आपको हमेशा थोड़ा डर तो लगा रहता है, पर इट्स अच्छा डर, इट्स नॉट लाइक कि हाई क्या होगा, इट्स लाइक हाँ मुझे पता है अच्छा होगा पर जल्दी हो जाए ताकि मैं सेटल हो जाऊँ फिर, हाँ वो बटरफ्लाई जैसे। तो फैंस अब आपके बनने वाले, और ऑफकोर्स साउथ इंडस्ट्री में आपके बहुत सारे फैंस होंगे और हिंदी इंडस्ट्री में भी होने वाले हैं, तो आप उन फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे?
तो मैंने साउथ की मूवीज़ की हैं जैसा कि आप जानते हैं, और वो साउथ की मूवीज़ हिंदी में भी काफ़ी डब हो चुकी हैं ऑलरेडी। कुछ कुछ फैंस ने मुझे ऐसे मैसेज किया था, पर जो यू नो इस मूवी के थ्रू जो मेरे फैंस बनेंगे, पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप मूवी देखें, 3 जनवरी 2020 को भांगड़ा पाले न्यू ईयर के एकदम यू नो स्टार्ट में रिलीज़ हो रही है। तो आई थिंक इतनी मज़ेदार फिल्म है, इतनी यू नो हैप्पीनेस है उस फिल्म में, इतना ब्राइट और कलरफुल यू नो फील आएगा आपको। तो आई थिंक डेफिनेटली वो मिस ना करें। मूवी को देखने के बाद, उसको पसंद करने के बाद, फिर मेरे जो अभी आप कह रहे हो फैंस बन जाएंगे, तो होपफुली उनको इतनी पसंद आए कि वो बन जाए मेरे फैंस। हमारे यहाँ हम सब भी फिल्म देखने के बाद जरूर भंगड़ा करने वाले हैं, क्योंकि फिल्म शोर शोर हिट होने वाली है। थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से भी ढेर सारे विशेष। थैंक यू।